कहानी के शुरुआत में एक एलियन को दिखाया जाता है जो भूखा होने की वजह से एक पुरानी मूर्ति में से एक गोले को निकाल कर खा जाता है। तभी वह एलियन देखता है कि वह मूर्ति चलने लगता है और उस एलियन को कैद कर लेता है। और इधर जूली को सीप के साथ खेलते हुए दिखाया जाता है। तभी सीप एक जहाज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वहां से अपने उस प्रजाति के एलियन को छुड़ाने के लिए जाने लगता है। तभी इधर बैन और ग्वेन और केबिन को दिखाया जाता है जो फॉरेवर नाइट्स के कुछ रोबोट से लड़ रहे होते हैं। तब बैन ह्यूमंगल्स और एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उन सभी रोबोट्स को नष्ट करने लगता है। तभी एक रोबोट बैन को नीचे गिरा देता है। तभी जूली वहाँ पर आ जाती है जिसको देखकर बैन हैरान हो जाता है। तब बैन जूली से पूछता है कि तुमने हमें कैसे ढूंढा। तब जूली रिपोर्टर्स की ओर इशारा करती है और बोलती है कि इनके मदद से। तब जूली बैन से सारा बात को बता देती है मगर बैन गुस्से में उसकी मदद करने से मना कर देता है। तब ग्वेन और केबिन जूली की मदद करने के लिए जाने लगते हैं। उसके बाद बैन घर में बैठकर जूली के बारे में सोचने लगता है। उसके बाद बैन उन सभी के लोकेशन को ट्रैक करता है। उसके बाद बैन जेटवे एलियन बनकर स्पेस में जाने लगता है। कुछ देर के बाद उस एलियन को दिखाया जाता है जो कि कैद रहता है। तभी उस ग्रह के निवासी वहां पर आते हैं और उस एलियन से उस गोले के बारे में पूछने लगते हैं। तब वो एलियन बताने से मना कर देता है। तभी वे सभी निवासी अपने पावर से उसको घायल करने लगते हैं। तभी वे निवासी लोग अपने पावर से जूली के सीप को भी घायल कर देते हैं। तभी वहां पर ग्वेन और बाकी लोग आ जाते हैं। उसके बाद ग्वेन सीप को अपने पावर से ठीक करने लगती है। कुछ देर के बाद फाइनली ग्वेन सीप को ठीक कर देती है। तब जूली सीप को देखकर बहुत ही खुश होती है। तभी बैन वहां पर आ जाता है और उन सभी से घर जाने के लिए बोलने लगता है। तभी जूली बोलती है कि सीप अपने उस प्रजाति के एलियन को बचाना चाहता है। तभी वो सभी लोग चुपके से उस एलियन को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। तभी उन सभी को उस ग्रह के निवासी लोग चारों ओर से घेर लेते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। तब सीप जूली को एक फाइटर बना देता है। उसके बाद जूली उन सभी निवासी को मारने लगती है। तब बैन ब्रेन स्टोन एलियन बन जाता है और उस सीप के प्रजाति को आजाद करने लगता है। कुछ देर के बाद बैन उस एलियन को आजाद कर देता है जिसकी वजह से वो मंदिर तबाह हो जाता है। तब वो सभी मूर्तियां जीवित हो जाती है और उन सभी पर हमला करने लगते हैं। तब बैन अल्टीमेट सोम फायर एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर उन मूर्तियों से फाइट करने लगता है। लड़ाई के दौरान वे सभी मिलकर उन मूर्तियों को हरा देते हैं मगर लास्ट में जूली उस एलियन से उस गोले को मांगती है और उस मूर्ति को दे देती है जिसकी वजह से वो मूर्ति अपने जगह पर चले जाते हैं। उसके बाद बैन जूली से माफी मांगता है और फिर दोनों एक साथ फिर से हो जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अगले एपिसोड को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।